अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग भी ठीक हैं। तो सबसे पहले तो आज जुम्मा है, जुम्मे का दिन है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदके सब की जो जो बीमार हैं सब की बीमारी दूर करें, अल्लाह पाक उनको शिफा दें, और जो जो परेशान हैं, जो मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद अता करें। तो इस दुआ के साथ ही चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जैसे कि बच्चे जो हैं स्कूल चले गए, तो फ्राइडे है तो उनकी जो है जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने जो है 10 बज चुके हैं, मैंने नाश्ता वाश्ता करके सफाई वगैरह सारी कर ली है। देखें यहाँ से सारी सफाई हो चुकी है, और यहाँ जो है फातिमा बैठी हुई है, और इधर देखें बच्चे जो हैं स्कूल से आए हैं, तो इनको मैंने फ्रेश कर दिया है, नहा के इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और इन्होंने जो है खाना भी खा लिया है। तो खाने की मैं आज नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है जुम्मे का दिन है, तो टाइम कैसे गुजर रहा होता है फटाफट से, तो इस वजह से मैंने कहा जुम्मा लेट हो जाएगा। तो रेडी होके ये जो है अभी ये थोड़ा सा टाइम है जुम्मे की नमाज़ में, तो इसने ज़फ़र ने कहा मैं थोड़ा सा मोबाइल मामा देख लूँ, तो मैंने कहा जल्दी करो। तो अभी जैसे ही जुम्मा होता है ये जुम्मा पढ़ने जाएगा मस्जिद में, और अहमद और मीरब मेरे साथ घर में पढ़ेंगे नमाज़। बाकी बस जल्दी जल्दी कर लो तुम लोग, थोड़ा सा टाइम रह गया। ठीक है ज़फ़र, मोबाइल रख के जाओ बेटा जल्दी जुम्मा पढ़ने। और ये देखिए अब हम जो है शाम का टाइम हो गया है, तो समोसे खाने लगे हैं चाय के साथ। चाय मैंने अभी बनानी है, मीरब को कुछ ज़्यादा जल्दी थी तो समोसे प्लेटों में डाल के ले आई। ये देखें बैठी है सामने खाने के लिए। यानी कि आप जो हैं अपनी जो है उसमें रहकर आप हर चीज़, यानी कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है। वैसे तो खैर सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं आजकल, चिकन के बराबर इनका रेट जा रहा है, तो आजकल जो चिकन और सब्जियों का रेट एक ही तकरीबन हो गया है। तो ये कलरफुल कितनी खूबसूरत लग रही हैं, दिल कर रहा है कच्ची खा जाऊँ मैं। तो चलें हम बस जल्दी से जो है ये देखें मीरब समोसा खाना स्टार्ट हो गई है। देखिए मैंने चने बॉयल किए हैं, क्योंकि हस्बैंड को चना चाट बहुत पसंद है, तो वो किसी टाइम भी मांग लेते हैं, तो इसलिए मैं बॉईल करके ना फ्रीज़र कर लेती हूँ इसको, और उसके बाद जो है इसको इजीली जो है जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है कि आप एक दो दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं एक दो दिन तक बस। तो कुछ लोग करते होंगे ज़्यादा यूज़, लेकिन मैं एक दो दिन में ही इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको फिर मैं क्या करती हूँ, जब फ्रीज़ बर्फ़ की तरह जम जाते हैं तो मैं एक देशकी में पानी डाल के तो उसको मैं डाल देती हूँ। फिर ये है कि इनकी यखनी भी बन जाती है मज़े की, और चने भी नरम हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने चाइनीज़ चावल के लिए चावल ले लिए हैं, तो बस अभी मैं जल्दी से चावल बना लूँ, चने बॉयल कर दिए, जब बोलेंगे चाट बनाने की तो मैं चाट बना दूँगी। और अभी जो है फ़िलहाल मैं चाइनीज़ राइस बना रही हूँ, आपको मैंने सब्ज़ियाँ दिखाई थी मैंने कट करके, अब मैं बना रही हूँ उनको, तो इंशाल्लाह ताला मैं बना के बाद में आपको दिखाऊँगी। बच्चे क्या कर रहे हैं रूम में, तो बच्चे जो हैं ये देखें बच्चे गेम खेल रहे हैं, ये दोनों गेम खेल रहे हैं, और इन्होंने जो है कमरे का देखे सत्यानाश मार दिया, तकिए उधर फेंक दिए। बच्चों को ऐसे ही होता है कि थोड़ी देर के लिए रूम से जाओ तो। बाकी मीरब और फातिमा देखें दोनों यूज़ कर रही हैं मोबाइल, उधर देख रही हैं, और इनके बाबा जो हैं वो ऑफिस से आके सो चुके हैं, और आज इन्होंने स्कूल का काम अभी तक नहीं किया क्योंकि इनकी दो छुट्टियाँ हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो इस वजह से बच्चे कह रहे हैं मामा हम कल करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है और चावल भी भिगो दिए हैं, और इधर मेरा जो है उसका मसाला बन गया है, चिकन बॉयल हो रही है जो चाइनीज राइस में डलेगी। और ये देखिए मैंने जो है चावलों की तह लगा रही हूँ, ये मसाला बनाया था वेजिटेबल्स का चाइनीज राइस के लिए, उसके ऊपर मैं अब चिकन डालूंगी, चिकन जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, क्योंकि अंदर मिक्स नहीं करती मैं, अपने तरीके से बनाती हूँ मैं, जो तह में जब तह लगा रही होती हूँ ना तब डालती हूँ चिकन को। बस अब इसको हम ये है कि ऊपर से चावल डालेंगे, इसकी तह लगा देंगे, और हमारे जो है चाइनीज राइस 5 से 10 मिनट में दम लग जाएगा, और ये रेडी है। बाकी ये रखे हुए इनको ऊपर डालूंगी। अभी जो है मैं ये एक अंडा है इसको मैंने फेंट दिया है, इसको ऑमलेट की तरह डाल लेंगे। अच्छी तरह
तरह से फैला नहीं है। इसको पलट देंगे। तो अब इसको जो है मैं चावल पे डाल दूंगी इस तरह से। बाकी इसको अब हम दम पे रख देंगे। बच्चों को देखें, इधर इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है। इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है ना, इसलिए ये घर पे ही खेल रहे होते हैं। और इनको देखें, गर्मी भी नहीं लग रही क्योंकि पंखा वंखा कोई भी नहीं ऊपर, तो यहाँ गर्मी में खेल रहे हैं लोग। बेचारे तोते भी परेशान हो रहे होंगे ज़फ़र, है ना, तोते परेशान होकर बैठे चुप करके। देखो ये क्या हो रहा है जी। हमारे चाइनीज़ राइस जो हैं, स्पेशल चाइनीज़ राइस रेडी हैं। तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, इतने खूबसूरत। और जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही मज़े के हैं। और ये इसके ऊपर जो अंडे का ये ऑमलेट बना के डालो, बहुत मज़ा आता है। अहमद हाथ नहीं मारो, मैं आपको डाल के देती हूँ। तो बच्चे बस वेट कर रहे हैं, जल्दी से डाल के दें। तो आपने भी जिसने खाना है तो आप आ सकते हैं हमारे घर, मोस्ट वेलकम। जल्दी से आ जाएं और खा लें आके। तो जब तक खैर मेरा व्लॉग जो है कल चढ़ेगा, तो ये तब तक तो ख़त्म हो चुके होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियो मिल सके। तो चले मैं जल्दी से बच्चों को और हस्बैंड को चावल दे दूँ। ये हस्बैंड की प्लेट है, तो उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। अभी ब्लॉग का एंड नहीं करी मैं, अभी जो है हम खाना खा लें, उसके बाद में ब्लॉग का एंड करूँगी। चलें ठीक है, हम खाना खा लें। अभी मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चले इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलूंगी, क्योंकि फातिमा को भी सुलाना है, फातिमा भी उठी भी है। तो बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरी भी सारी दुआएं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।